Hi guys, so today I'll teach you how to do makeup, that is cocktail glam makeup. So for that amazing cocktail glam makeup, what we need is we need to do some eyebrows, that is very very glammed up. And eyebrows ko fill karne ke liye maine Anastasia ka brow pomade use kiya hai. This one is in the shade caramel. सो आईब्रोज़ में एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप आईब्रोज़ को फिल कर रहे हैं, आपने हमेशा पीछे से आईब्रोज़ की शेप देनी है और आगे से जो आपके ब्रश में बच गया है उससे आपने आईब्रोज़ को ड्रॉ करना है. इट शुड बी एन ऑम्ब्रे इफेक्ट कि आगे लाइट हो और पीछे डार्क हो. और उसके बाद मैंने कंसीलर लिया और उसके साथ एक सिमेट्रिकल शेप दे दी आईब्रोज़ के एरिया से आई तक. एंड मैं कंसीलर लेके एक नीटनेस लेकर आ रही हूँ. सो एज़ यू कैन सी कि हमने कंसीलर लगा लिया और उसके बाद मैंने ट्रांजिशन शेड फिल करना है. सो दिस इज़ ब्राउन इन शेड. सो लाइट ब्राउन कलर फिल करेंगे हम. और हमारी मॉडल जो है दैट शी इज़ ओशीन ब्रार, दैट पंजाबी एक्ट्रेस जो कि मूवीज़ में भी आई हुई हैं. यू कैन सी हमने एक ब्राउन शेडो फिल करी है, वेरी ब्राउन सॉफ्ट ब्राउन कलर जिससे हम कलर फिल कर रहे हैं और उससे कोई भी हार्श लाइन नहीं आ रही है. इट इज़ सॉफ्टली ब्लेंडेड और प्रॉपरली से ब्लेंड करें. उसके बाद एक ग्रे ब्राउन कलर लिया जिसके साथ हमने थोड़ा और उस एरिया को इंटेंसिफाई किया एंड इनर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा हाइलाइटर लगाया जो कि ग्रे सिल्वर कलर में. सो विद दैट सेम हाइलाइटिंग कलर मैंने ग्रे सिल्वर कलर को इनकी क्रीज एरिया पे फिल कर दिया विद अ फिनिशिंग लाइन. सो उसके बाद आईलाइनर लगा रहे हैं. आईलाइनर लगाने के लिए ब्यूटीलिशियस का ब्रश लिया एंड जो आईलाइनर है दैट वन इज़ फ्रॉम शॉपरल. आईलाइनर को लगाने के लिए इट शुड बी वेरी वेरी प्रिसाइज. हमने टेप यूज़ करी है ताकि जो लुक है दैट इज़ वेरी वेरी स्नैच्ड एंड ब्यूटिफुल. और आईलाइनर को देखिए कितनी नीटनेस से हमने अप्लाई किया. और अब हमने टेप हटा दी और लिक्विड हाइलाइटर आइकॉनिक का ओरिजिनल शेड यूज़ किया और उससे हमने हाई पॉइंट्स को हाइलाइट कर दिया. सो नाउ आफ्टर हाइलाइटिंग हाई पॉइंट्स ऑफ अवर फेस वी हैव टू यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ कलर करेक्शन. सो कलर करेक्शन के लिए वॉर्म बेस शेड यूज़ किया फ्रॉम टू फेस. इट इज़ अ कंसीलर और जो डैबिंग मोशन में डैब डैब करेंगे, ड्रैग नहीं करेंगे. एंड उसके बाद लाइट न्यूट्रल शेड फ्रॉम टार्ट शेप टेप यूज़ किया ब्राइटन अप करने के लिए अंडर आइज़ को, नोज़ को, ऑल दोज हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस दैट शुड बी हाइलाइटेड. सो प्रॉपरली उस एरियाज पे हम ब्लेंड करेंगे. ड्रैगिंग नहीं करनी है, जस्ट हैव टू डू इज डैब डैब एंड डैब. सो प्रॉपरली से ब्लेंड कर चुके हैं हम. एज़ यू कैन सी द फिनिशिंग इज़ क्वाइट गुड. एंड हमने हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना है. कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने कलर करेक्शन मिस कर दी. सो मेक श्योर कलर करेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप व्हेन यू वांट अ फ्लॉलेस मेकअप बेस. और उसके बाद मैंने कलर चेंजिंग ब्लश लिया. दिस वन इज़ फ्रॉम ट्रू कलर्स जो ब्लू कलर का था और पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया. आप देख सकते हैं कि कितनी इजीली ये कलर चेंज किया इसने. एंड अभी मैं इसे ब्रश के साथ डैबिंग मोशन में अप्लाई कर रही हूँ. आई विल नॉट ड्रैग. यू कैन सी आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन फॉर दैट प्रिसाइज एंड ब्यूटिफुल लुक. यू हैव टू फोकस ऑन डिटेलिंग दैट आई एम गिविंग राइट नाउ. सो वॉट आई एम डूइंग इज डैबिंग डैबिंग एंड डैबिंग. सो अब आप चेक कर सकते हैं कि हमने जो एप्लीकेशन है ब्लश की वो कितनी ब्यूटिफुली अप्लाई करी. एंड हैव अ लुक, इट लुक्स वेरी नेचुरल, वेरी प्रिटी. सो नाउ वी आर टेकिंग लूज पाउडर. दिस वन इज़ फ्रॉम लॉरा मर्सियर एंड हमने सारे फेस को पाउडर कर दिया है प्रॉपरली. लाफिंग लाइन्स, अंडर आइज, हर जगह पे कि जो मेकअप है वो ट्रांसफ़र ना हो, मूव ना करें और एक फ्लॉलेस फिनिश आ जाए फॉर दैट ब्यूटिफुल मेकअप. सो नाउ आई एम एडिंग अ लिटल बिट ऑफ कॉन्टोर. आई एम यूजिंग वन साइज की कॉन्टोर पैलेट. दिस इज़ फॉर द लाइटर टू मीडियम स्किन टोन कॉन्टोर पैलेट. एंड नाउ आई एम एडिंग अ लिटल बिट ऑफ अंडर आइज के लिए आई शेडो दैट इज़ ऑल्सो इन ब्रॉन्जी कलर. हमने आई लैशेज भी लगा लिए हैं.
एंड अब लिपस्टिक की बारी है, तो आई एम गोइंग टू यूज लिप लाइनर टू लिप लाइन हर लिप्स एंड दैट इज ऑल्सो इन पिंक ब्राउन कलर, जिससे मैं फिनिशिंग दे रही हूँ इनके लिप्स के ऊपर. सो आफ्टर गिविंग द फिनिशिंग एंड नाउ आई एम अप्लाइंग हाईलाइटर एंड दिस वन इज़ फ्रॉम रेयर ब्यूटी एंड द शेड इज इनलाइटन. सो फॉर नोज, फॉर चीक बोन्स एंड थोड़ा सा मैंने चीक्स पे भी अप्लाई किया. उसके बाद सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रहे हैं, दिस वन इज़ फ्रॉम वन साइड. सो यू कैन सी कि फाइनल लुक कितनी प्यारी आई है. सो डू कमेंट बिलो इफ़ यू लव दिस वीडियो. हम और भी बहुत सारी वीडियो शेयर करेंगे. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई पेज. लव यू. बाय.